हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है मैप मॉर्नर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद कर रहा हूं सबके सब बहुत अच्छे होंगे। यार सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि आप लाइक करो वीडियो को और शेयर करो। मैं चाह रहा हूं मैक्सिमम बच्चे जो हम कनेक्ट कर पाए, मैक्सिमम बच्चों तक आपको दोस्तों इसको पहुंचाना है, मैक्सिमम बच्चों को यहां पे कनेक्ट करना है। क्योंकि देखो सेशन बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल आदमी बहुत मेहनत बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आपके लिए आए हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोग उसका सम्मान करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो पाएं। दोस्तों आपकी जो यूपीएससी की जर्नी है, आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के दौरान अगर मैं बात करूं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे दिक्कतें हम फेस करते हैं, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे जिन्होंने रियल टाइम में इन चैलेंजेस को लड़ा है और अपनी सक्सेस को हासिल किया दोस्तों, अचीव किया है। 10 साल की सर्विस एक्सपीरियंस उनका है, 10 साल तक उन्होंने। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम सेशन है, आप समझिए मेरी बात। आप पूरी जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, ठीक है, जहां जाके आप पहुंचेंगे, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं आज जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, ऑलरेडी वहां एस्टैब्लिश्ड है। और जो प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है, देखो यहां बात हम वो नहीं करेंगे। मैं अगर देखूं तो YouTube भरा पड़ा इस प्रकार की वीडियो से कि क्या बुक होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, ये चीजें सारी मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा उन रियल टाइम मुद्दों की जो एक स्टूडेंट फेस करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, और शायद इनके बारे में कोई नहीं बताता, कोई बात नहीं करता। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कोई इनके बारे में बात नहीं करता, कोई इनके बारे में बताता नहीं। तो आज हमारे साथ हेमंत जी हैं जो हमारे साथ बात करेंगे इन सारे मुद्दों पे। हमारे साथ है पंकज सर जो अपने 10 से 11 साल का जो उनका एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उससे आपको बताएंगे किस प्रकार से इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में हमें उन चीजों से लड़ना है ना। वो सारे चैलेंजेस के बारे में, वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, हम सब के बारे में क्या करेंगे दोस्तों, आपसे चर्चा करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम जो है, आपकी जो सवाल है जो मन में चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, मेरे पास 75 तरीकों के अजीबोगरीब सवाल आते हैं भाई, मुझे नहीं पता। मैं ये सवाल उनसे पूछता हूं जो हम सबके आइडियल हैं, जो हम मेरे आइडियल हैं, जो आप सबके आइडियल हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जो ड्रीम करते हैं, जो सपना लेके हम सुबह उठते हैं रोज, जिस सपने के साथ में हम रोज तैयारी करते हैं। मैं आपको उन्हीं से मिलवाऊंगा, मैं बात कराऊंगा उन्हीं से, आप उन्हीं से अपने सवाल डायरेक्ट पूछिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है। सारे बच्चे जो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके सभी के क्वेश्चन जो है यहां पे लिए जाएंगे, आप सभी के क्वेश्चन जो है वो मैं डिस्कस करूंगा, आप सभी के जितने भी जो डाउट्स हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, सारी चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं अपने साथ जोड़ता हूं पंकज सर को, पंकज सर से बात करते हैं क्योंकि क्यों ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने हेमंत जी को चुना है ना, क्यों उन्होंने ये सोचा कि स्टूडेंट्स को आपसे मिलवाते हैं, ठीक है, क्यों सर ने चुना है। तो इस सब के लिए मैं चलता हूं सीधा सबसे पहले पंकज सर के पास, पंकज सर से बात करेंगे क्या खास बात है इस सेशन की, क्यों हम इस सेशन को इतना इंपॉर्टेंट में दे रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंस में दे रहा हूं, क्यों मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट से कि ये सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले यार देखो मैं फिर से कहूंगा संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है एक बार फटाफट से यार शेयर करो, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू यार फटाफट से शेयर करो यार, सभी बच्चों को कनेक्ट करो हमारे साथ, आपके साथ सभी बच्चों को कनेक्ट करो ताकि सारे सारे बच्चे जुड़ सके हमारे साथ, मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो जुड़ सके, कनेक्ट हो सके और हम हमारे साथ में जो है इस जो कॉन्वर्सेशन के अंदर में वो हिस्सा बन सके। चलिए जुड़ते हैं पंकज सर के साथ, बात करते हैं पंकज सर से, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो आज के सेशन में इंपॉर्टेंट है, क्यों आज हेमंत जी को चुना गया है, सर ने क्यों चुना कि आपको आज हेमंत जी से मिलवाते हैं। सो सारी बातें करते हैं, चलिए पहले सीधे चलते हैं पंकज सर के पास, पंकज सर से बात करते हैं सीधा कि आज के सेशन में क्या खास है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पंकज सर, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, दूरभाष यंत्र में कभी कहीं कभी कमी रह जाती है। सुन पा रहे हैं पंकज सर आप मुझे?
गुड मॉर्निंग सुमित सर, एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल एकदम बढ़िया आवाज आ रही है सर। हेलो, हाँ तो मैं तो आई हूँ, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर, सुन पा रहे हैं पंकज सर मुझे? सुमित सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं क्या सर मुझे? आप पंकज भाई, मुझे आवाज आ रही है। सुमित सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सर मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ सर। जी सर, सर आप सुन पा रहे हैं आवाज मेरी? आपको आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि मतलब ऐसा आज हमारा सेशन है, मैं बार बार स्टूडेंट से बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा सेशन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मेरा सिंपल और साधारण सवाल है आपसे कि मतलब ऐसा क्यों कि आज हमने हेमंत जी को ही क्यों चुना? मतलब बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर है जिनको आप जानते हैं, 10 से 15 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, बट आज सबसे पहला सेशन हमने स्टार्ट किया है हेमंत जी से। मैं आपसे इसके पीछे का सिग्निफिकेंस पूछना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसका महत्व है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है सर। पंकज सर निश्चित रूप से, देखिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि बहुत सारे लोग हैं जो आज सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज अच्छी अच्छी पोजीशन पे हैं, और जब आपने मुझसे बोला कि बच्चों को इंस्पायर करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है, और देखिए हेमंत जी को चुनने का रीजन मेन ये रहा कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जिनको हर बच्चा फेस करता है अपनी तैयारी के दौरान। सुमित सर देखिए दो तरह की बातें होती हैं, एक तो होती है स्ट्रैटेजी को लेकर कि क्या किताबें ली जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, एनसीईआरटी पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए, इसको लेके बहुत सारा गाइडेंस नेट पे अवेलेबल है, ऑनलाइन चैनल पे अवेलेबल है, बट देर आर सर्टेन रियल लाइफ इश्यूज। तैयारी का जो तरीका है पिछले 10 सालों के दौरान बहुत कुछ बदला है, सामाजिक कंडीशन बदली है, बच्चा जिन चैलेंजेस को फेस करता है वो बदला है, इस तरह से इंटरनेट का यूज हो रहा है वो बदला है, और आज से 10 साल पहले की जब मैं बात करता हूँ, जब मैंने देखा बात देखता हूँ तो उसमें बहुत सारा अंतर है। उस परिप्रेक्ष्य में जो रियल लाइफ इश्यूज हैं, जो ऐसे इश्यूज हैं जो बच्चे की लाइफ के बहुत करीब हैं, बट जिनके बारे में मेंटर्स शायद बात नहीं करते या बात करना नहीं चाहते, उन सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे, और इसलिए हमने यहाँ पे हेमंत सर को चूज किया है। आई होप कि मैं आपको ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आवाज आ रही है, बट मैं चाह रहा हूँ थोड़ा लैपटॉप आप थोड़ा डिस्टेंस पे कर ले क्योंकि बच्चे आपको देख नहीं पा रहे। हाँ थोड़ा डिस्टेंस पे कर ले। हाँ ये नाउ इट्स ओके सर। सो हाँ अभी सही है सर, नाउ इट्स फाइन। सो सही बोला सर आप भी, मैं भी ये सोच रहा था कि जब हम इस परिपेक्ष में देखते हैं कि मोटिवेशन के लिए बहुत सारे हमारे पास अभी आज भी हम देखते हैं तो बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोज हैं जिनके बारे में वो देख सकते हैं और जहां से वो देख सकते हैं। जो बड़ा मुद्दा है यहाँ पर वो ये है कि ऐसे बहुत सारे लाइफ के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, और आज हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो गाइज सभी बच्चों से एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार फटाफट से आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम बहुत जल्दी हेमंत जी से आपको मिलाने वाले हैं, बहुत जल्दी उनको यहां से आपके साथ में जोड़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको कनेक्ट करने वाले हैं। सर एक बात मैं बोलता हूं, एक बात मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा मैं सर, ठीक है पढ़ाई की बात मैं आज नहीं करता, थोड़ा पढ़ाई को मैं साइड रखता हूं क्योंकि पढ़ाई की बात हम रोज करते हैं, मैं रोज बात करता हूं, आप रोज बात करते हैं, पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, ये पढ़ना, ये हम डेली बात करते हैं। मैं आपसे कुछ और मुद्दों के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा, मैं कुछ और मुद्दों के ऊपर जानना चाहूंगा।
एक जब स्टूडेंट तैयारी करता है सर, तो उसके पास में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो वो फेस करता है, ठीक है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन। कई बार ऐसा होता है उसका पढ़ने का मन नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं कि वो जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं कर पाता। तो ऐसी अवस्थाओं में बच्चा क्या करे? कई बार ऐसा होता है कि अगर हम बात करें आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है, तो वो वहां पर थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, क्या वो सोशल मीडिया यूज ना करें? कई बार ऐसा होता है कि आज अगर हम बात करें तो आज एस्थेटिक जो जो ब्यूटी है वो हमारे लिए बहुत मैटर रखती है, तो आज हम कोशिश करते हैं 10 जगह हमारा दिमाग जाता है, क्योंकि हम भी देखते हैं सारी चीजों का चलन इतना ज्यादा हो गया, तो हम भी सुंदर दिखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। मैं अपना पर्सनली सोचूं तो मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा मुझे जिम का भी चाहिए, तो क्या मैं जिम ना जाऊं? मतलब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं सारी चीजों को बंद कर दूं, मैं सारी चीजों को छोड़ दूं, क्या मैं ना करूं, क्या मैं सोशल मीडिया का यूज ना करूं? तो इन सब मुद्दों पे सर मैं थोड़ी सी आपसे पूछना चाहूंगा कि पढ़ाई की बात सब करते हैं, मैं इन मुद्दों पे आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं इन पे कृपया आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बहुत सही बात आपने बोली, और अगर इस बात को मैं समराइज करूं एक लाइन में बोलूं तो बच्चे को लगता है कि वो अपनी यूथ को कंप्रोमाइज करके इस तैयारी को करे या यूथ को भी इंजॉय करे और तैयारी करे, यहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस है, यहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस है। तो अगर आज से मैं एक दशक पहले की जब बात करूं तो जो सामाजिक कंडीशन थी, जैसा पेरेंटल प्रेशर था, जैसा आप आसपास देखते थे, शायद इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, अपने लुक को लेके लोग इतने कॉशियस नहीं थे, इतने लोग शायद जिम नहीं जाते थे, इतने लोग शायद जीन्स और टी शर्ट को लेकर पर्टिकुलर नहीं थे। हमारा चीजों को देखने का जो नजरिया है सुमित सर, उसमें काफी परिवर्तन आया है, चाहे आप बॉयज की बात करें चाहे गर्ल्स की बात करें, आज ये आपकी लाइफ के पार्ट हैं, या तो आपकी लाइफ के पार्ट हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे, अगर मैं आपसे बोलूं कि कई बार एक कल्चरल कैपिटल की बात होती है, एक बच्चा जो रूरल बैकग्राउंड से आता है और जब इस तैयारी को करना स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि ठीक है किताबों के बारे में तो उसे पता चल गया, बट एक तरह का उसको इंफीरियोरिटी का सेंस होता है कि मैं रूरल बैकग्राउंड से आया हूं। अगर मैं आपकी ही बात करूं तो आप एक ऐसे परिवेश से आए, गांव से आए, बट आपने काफी आगे अपनी लाइफ में आप काफी आगे गए, तो इस बात को आप शायद समझ सकते होंगे कि बच्चा जो शुरू में आता है और उसे बता दिया जाता है कि द हिंदू पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, ऐसा कर देना, देखिए ये सारी बातें सुन के कई बच्चे तो डर के छोड़ देते हैं तैयारी की, करना ही नहीं है। बट जब मैं हेमंत जी की बात करता हूं तो वो इसलिए मैं इनको लाया हुआ हूं कि ये इस बात को दर्शाएंगे कि आप किसी गांव से भी आ सकते हैं, किसी कस्बे से भी आ सकते हैं, और आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आप अपने लुक को भी देख सकते हैं। यदि आपका पैशन है कि आपको अपनी शारीरिक जो फिटनेस है उसे बनाए रखना है, उसे रख के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन के जो बाकी पहलू हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, जो आज बच्चा एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस में, उसे लगता है कि मेरे साथ के लोग काफी चीजें कर रहे हैं, एक तरह का सामाजिक दबाव बच्चा फेस करता है। तो जब ये सामाजिक दबाव की बात आती है सेमेस्टर, तो एनसीईआरटी साइड हो जाती है, हिंदी न्यूज़पेपर साइड हो जाता है, बच्चा केओस में रहता है, हफ्ते के 2-3 दिन वो केओस में रहता है। इन मुद्दों को हम टच करना चाहेंगे और यहाँ पे हम सोचेंगे कि हम अपने आप को उस बच्चे की जगह पे रख के देखते हैं आज 2021 में, जो 2021 में यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जहां पे एग्जाम शायद टफ हो गया है, बट उसके जीवन के जो क्राइसिस हैं बहुत सारे बढ़ गए हैं। इन परिप्रेक्ष्य मैंने इनको सर को लाया है, जो बता सकें कि किस तरह की क्राइसिस बच्चे फेस करते हैं और कैसा उन्हें करना चाहिए। सुमित सर, मैं भी ऐसे ही बात करता हूं कि जब मैं कॉलेज में जाया करता तो एक्चुअली मैं पहले प्रिंट मॉडलिंग में इन्वॉल्व था, मैं आपको सही बताऊं सर, तो जब मैं जाता था तो जब मैं सुनता था चीजें कि ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, पढ़ाई इतनी करनी पड़ेगी, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे लगा कि बाकी सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी। रूरल बैकग्राउंड से जरूर था मैं, तो मेरे पास और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, मुझे दिल्ली में आके प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, तो मैं कम से कम 6 से 7 घंटे सर मैं ट्रैवल के अंदर में वेस्ट कर देता था, तो इतना ये था। ये सर खैर, ये सर आपको ये सारी चीजें पता है, तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से मेरे माध्यम से बच्चों को बता पाएंगे। बाकी मैं सर को यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा, मैं हेमंत सर को यहाँ बुलाना चाहूंगा, और हम जानेंगे, सभी बच्चे जो हैं काफी उत्सुक हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं सर से ही मिलके, जो हमारे आइडियल हैं, जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है। सभी लगभग हर बच्चे को पता है कि जो उनकी जो पूरी प्रिपरेशन की जो उनकी जो जर्नी है उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम उनको आती है, तो मिलेंगे, अभी जानेंगे दोस्तों, सभी सर से मिलेंगे, मैं हेमंत सर से अभी आपको कनेक्ट कराऊंगा, तो हम जानेंगे सारी चीजों को कि क्या क्या वो प्रॉब्लम्स होती हैं और किस प्रकार से उन्होंने इन चैलेंजेस को दूर किया और किस प्रकार से उन्होंने इन चैलेंजेस को दूर करके अपना जो ड्रीम है उसको रियलाइज किया, ठीक है। चलिए सर एक बार कनेक्ट करते हैं हेमंत सर से, तो मैं कनेक्ट करूंगा, अंकित सर एक बार कनेक्ट करा दीजिए हेमंत सर से।
सर जब तक हेमंत सर जुड़े हैं तो आप इनके साथ काफी टाइम तक एसोसिएट रहे हैं, तो इनके बारे में दो चार आप बातें हमें बताना चाहें सर, कि मतलब क्या इनकी विशेषताएं थी जब ये प्रिपरेशन करते थे। कि सबसे बड़ी विशेषता सुमित सर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कई बार ऐसा। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। सर बच्चे काफी वेट कर रहे हैं आपसे मिलने के लिए, सो काफी सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, सो एक एक करके हम वो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करना चाहेंगे। पंकज सर जी, हेमंत सर देखिए जो सबसे बड़ा एक डाउट आज की डेट में बच्चों के माइंड में आता है, जो मैं एक सामान्य डाउट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कि कई बच्चे जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बैकग्राउंड की समस्या है, भाषा की समस्या है, एक कल्चरल कैपिटल को लैक करते हैं, तो वो यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, डाउट में रहते हैं, और इस डाउट की वजह से कई बार उनके एक दो अटेम्प्ट चले आते हैं, कई बार वो एग्जाम से बैक ऑफ कर लेते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से मैं आपको जानता हूं कि आपने इन सारी बाधाओं को क्रैक पार करके इस एग्जाम को क्रैक किया है, तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स, क्या आप हिंट देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो इस वजह से सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम उनके लिए नहीं है। सबसे पहले तो मैं पंकज भैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बोलने का अवसर दिया, और पंकज भैया से मेरी लंबी पहचान रही है, लंबी दोस्ती रही है, आज की नहीं 2007 में जब मैं दिल्ली गया था बम्बई से प्रिपरेशन करने के लिए, तब से मैं इनको जानता हूँ, इनके मेरे ऑप्शनल्स भी सेम थे सोशियोलॉजी, तो इनसे मुझे काफ़ी लगातार हेल्प मिलती रही। और फ्रैंकली सच बताऊँ तो मुंबई में मैं एक कस्बे से आता हूँ जिसका नाम है कांजूर मार्ग, कांजूर मार्ग का यूएसपी रहा है अरुण गवली, दाऊद इब्राहिम, अशोक जोशी, माया डोलास, जिसके भी ऊपर मूवी बनी थी शूट आउट एट लोखंड वाला, माया डोलास, दिलीप बुआ, ये सब मेरे एरिया के जाने जान पहचान के लोग थे, इनके साथ क्रिकेट भी खेली हुई है, जब ये बड़े थे हम तो 10-12 साल के थे, तो हम बॉल लाने का काम करते थे, तो इन लोग को मैं पर्सनली जानता हूँ। तो मैं कहने की बात है कि मैं एक कस्बे से आया था, तो दिल्ली मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था, दिल्ली आना एक कल्चरल शॉक था, पहली बार एक फीमेल को सिगरेट पीते हुए ड्रिंक्स करते हुए दिल्ली में देखा था, तो जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था। और उस समय पंकज भैया भी एक रूरल बैकग्राउंड से थे पर दिल्ली में पहले से थे, तो एक एंकर सा हो गया था कि काफी हेल्प हो जाती थी कि नहीं ये नॉर्मल है, ये इतना मतलब इसमें दिल्ली की गलती नहीं, इसमें हमारी गलती कि हम कुएं के मेढक बने रहे, हमने दुनिया नहीं देखी, तो ये नॉर्मल है। तो प्लस पढ़ाई में तो ऑफ कोर्स सेम ऑप्शन होने की वजह से हेल्प मिलती रही है उनसे, तो ये तो उनके बारे में है। और जहाँ तक बात है कस्बे से आके एग्जाम क्रैक करने की, ऐसी कोई बाधा नहीं है, हालांकि अब इस समय जिस तरह का एग्जाम पैटर्न हो गया है उसके वजह से थोड़ा सा हिंदी माध्यम के लोगों के लिए एग्जाम टफ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जैसे सूरज सिंह परिहार हैं, वो शायद एमपी में इस समय आईपीएस हैं, 2016 बैच के 15 बैच के हैं, तो वो उनकी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी और काफ़ी लोग लगातार हिंदी से टॉप करते आए हैं। मैं पर्सनली जब दिल्ली आया था मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि मतलब क्या पढ़ना है मुझे ये भी नहीं पता था, तो उस समय हम लोग कहते थे बाबा, जो दिल्ली में अगर एक दो बार एग्जाम दे दिया है मेंस का तो उसका हम बाबा बुलाते थे, तो दो तीन बाबा लोग घूमते रहते थे, वो इंसिडेंटली मेरे होम टाउन प्रतापगढ़ से थे। तो मैं आया कि क्या पढ़ना है, तो मैंने सबने कहा एनसीईआरटी पढ़ लो, मैंने एनसीईआरटी खरीद ली, हिस्ट्री की सारी एनसीईआरटी खरीद ली, एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ने लगा। तो उसमें से एक दिन एक बाबा से मुलाकात हुई, तो बोले आजकल क्या पढ़ रहा है, वो बोला सर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी में, तो बोले अब उससे नहीं पूछता है, बीपी हाई हो गया, बोला इससे तो पूछता नहीं है, तो हम बोले कि तो किससे पूछता है, तो बोले बिपिन चंद्रा पढ़ो, तो भैया वो मोटी वाले बिपिन चंद्रा ले आए, 2 हफ्ते बिपिन चंद्रा पढ़ी, तो उसको पढ़ रहे हैं, तो फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मिले, बोले क्या पढ़ रहे हो आजकल, बोला बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, उससे नहीं पूछता है, इससे भी नहीं पूछता है, तो फिर मैं स्पेक्ट्रम ले आया, स्पेक्ट्रम को 4-5 दिन पढ़ के हुए थे, उसने फिर मिल गया, बोला मैं मुझे हाथ में स्पेक्ट्रम देख ली, बोले आजकल ये पढ़ रहे हैं, बोला हाँ, बोला ऐसा बेकार है इससे नहीं पूछता है,
और फिर मैं ग्रोवर एंड ग्रोवर भी ले आया हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया के लिए, तो मेरे पास हिस्ट्री की 7 बुक हो गई विद इन 1.5 मंथ, 7 किताबें हिस्ट्री की हो गई, और ऐसे ही सेम पॉलिटी के पास मेरे पास 5-6 किताबें हो गई। जी जी तो जीएस जीएस, फिर मैं जब 6 किताबें पॉलिटी की 6 किताबें हिस्ट्री की देखा मैं, तो एक दिन मैं रात में सर पकड़ के बैठ गया, मैं बोला यार इसको कैसे पढ़ेंगे, एग्जाम में रिवाइज कैसे करेंगे 6-6 किताबें। तो उस दिन उस रात मैंने खुद को टाइम दिया, मतलब मैंने खुद से बात की, मैंने बोला साला ये गांधी जी सत्याग्रह तो दांडी में ही जाके तोड़ेंगे, चाहे वो मैं बिपिन चंद्रा से पढ़ूं, चाहे स्पेक्ट्रम से पढ़ूं, चाहे ग्रो एंड ग्रोवर से पढ़ूं, तो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद ही होगी, उससे पहले तो होगी नहीं। तो मैं बोला फैक्ट तो हिस्ट्री के किसी भी किताब में सेम होंगे, तो आपको फेथ रख के एक किताब पढ़नी होगी। दूसरी चीज कि मैं भगवान नहीं हूँ, 100% तो मुझे आएगा नहीं, तो अगर मेरा कोई टॉपिक अच्छा है, कोई सब्जेक्ट अच्छा है, तो मेरा अटेम्प्ट एम होना चाहिए उसमें मैं 10 में से 9-8 मैक्सिमम 9 मिनिमम 7 क्वेश्चन कर सकूं। जी ठीक है, तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मुझे सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक एक स्पेक्ट्रम लगी, और वो सर लक्ष्मीकांत इस तरह से एनसीईआरटी के लिए ज्योग्राफी, तो मैंने बाकी सारी किताबें उठा के बंद कर दी, और उसको मैंने अगले 4 साल तक कभी नहीं खोली। मैंने खाली यही फिक्स हर एक जीएस के टॉपिक की किताबें फिक्स कर ली, वही किताब पढ़ता था मैं। तो हेमंत जी देखिए, जिस ईमानदारी से आपने ये बातों को बताया कि जो चैलेंजेस आपने किए, जनरली देखिए इतनी ईमानदारी से कोई नहीं बताता, और बच्चा इसी ईमानदारी से खुद को कनेक्ट कर पाता है। एक बड़ा सवाल कई बार, मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ ऑनलाइन माध्यम से, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बातें बोलते हैं कि दे आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, वो हिंदी भाषा से हैं। ये बहुत बड़ा डाउट बच्चों के माइंड में उन्हें पीछे ले जाता है, जहां पे उन्हें लगता है कि भाषा एक बैरियर हो सकता है, बैकग्राउंड एक बैरियर हो सकता है। ये आप बच्चों को थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से नहीं हो सकता है। जैसे भाषा बैरियर नहीं है, कई लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से भी आते हैं जिनकी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई, मेरी स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम में हुई थी, पर मैंने कभी इंग्लिश में बात नहीं की। जी ठीक है, तो और आप अगर दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के लोग बड़े फराटेदार अंग्रेजी बोलते, सलाह सुन के आदमी साइक हो जाता है एक बार। ठीक है, और वहीं आप इलाहाबाद जाएंगे, उनकी हिंदी सुन के आप साइक हो जाएंगे, आप सोचते हैं कि कोई और संस्कृत बोल रहा है। ठीक है, आधे आधे लोग जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो बोलते हैं संस्कृत में लिखा है, जबकि वो है अवधि में, हिंदी में। जी ठीक है, तो उसमें ये है कि भाषा का एक मिनिमम स्टैंडर्ड आपको किसी किसी जिस भाषा से दे रहे हैं उसमें एक मिनिमम स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप हिंदी भी बोल रहे हैं लेकिन आपके हिंदी का सिंटैक्स ग्रामर कुछ भी सही नहीं है, आपने बड़े भले हिंदी में से पढ़ाई की हो, तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा ना। जी अगर आप उस भाषा से आपने पढ़ा है तो आपको प्रॉपर पढ़ाई उस भाषा से होनी चाहिए। जी आपकी सोच उस भाषा में होनी चाहिए, आप हिंदी में पढ़ के अंग्रेजी में नहीं सोच सकते, अंग्रेजी में पढ़ के हिंदी में नहीं सोच सकते। जी ठीक है, व्हाटएवर लैंग्वेज यू आर गोइंग थ्रू, आपको उस पे कमांड होना चाहिए और कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी बोलने में कोई शर्म की बात नहीं, ना अंग्रेजी बोलने में कोई गर्व की बात है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, एक भाषा है, भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश मिक्स में कोई समझ आता है तो वो अच्छी भाषा है, आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहे कोई नहीं, शशि थरूर है। अगर आप वो आके यहाँ बोलेगा तो आधे बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो वैसे इंग्लिश लगे कि क्या करना है। दूसरी एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा हेमंत सर, जो कि ऑफ द ट्रैक है, आज से 8 साल पहले 10 साल पहले जब आपने इस एग्जाम को दिया, जब आप देते थे, जिन बच्चों के साथ आप एग्जाम को देते थे जो आपके कंटेम्परीज थे, शायद उस समय लोग अपने लुक को लेके इन सारी चीजों को लेके उतने कंसर्न नहीं होते थे। आज जब मैं एज ए सोशियोलॉजी के मेंटर की तरफ से जब सामाजिक कंडीशन को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि आज का जो युवा है, आज का जो यूथ है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो अपने लुक को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, अपनी हेयर स्टाइल को लेके बहुत कंसर्न है, और उसके साथ यूपीएससी की तैयारी भी उसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कई बार इस बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाता है, और एक क्राइसिस में, ये क्राइसिस शायद आज से 8 साल पहले रही होगी बट इस हद तक नहीं रही होगी कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें और यूपीएससी की तैयारी भी कर लें। तैयारी का कॉम्पिटिशन बढ़ा है, बच्चों का ये टेम्पटेशन भी बढ़ा है, तो आप सिंस आपने वो दौर देखा है आज से 8 साल 10 साल पहले का, और आज जब आप फील्ड में हो एज ए सक्सेसफुल आईपीएस ऑफिसर, तो आप इस सामाजिक कंडीशन को देख रहे हो, अपने आसपास देख रहे हो, तो व्हाट हिंट और व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो आज आपको देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन अभी आपको देख रहे हैं, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो बच्चे कनेक्ट कर सकें एज ए सीनियर, एज ए ऑफिसर और एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट ऑल्सो। पंकज भाई, ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी जमाने में लुक्स के प्रति कम कंसर्न था। अगर आप
हमारे पुराने इतिहास को ही देखे तो ययाति के टाइम से ययाति ने अपने बच्चों की जवानी ले ली थी जवानी जीने के लिए, तो जवानी का चस्का तो बहुत पुराना है, ठीक है कि हमको जवान होना है, हमको अच्छा दिखना है, हमको बहुत ही सेक्सी भी दिखना है, ठीक है। लेकिन अभी जो फर्क पड़ गया है वो ये है कि जो सोशल मीडिया है उसपे हम 10 फिल्टर डाल के फोटो डाल, 10 फिल्टर लगा के फोटो डाल देते हैं जी, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि उसमें 10 लोग देख कमेंट करते हैं जी, है ना। तो तो क्या होता है कि हमको मतलब हमारा कंसर्न जो गुड लुकिंग था कि हमको अच्छा दिखना है जी, अब हमको ये भी कंसर्न हुआ बाकी लोग को लगना चाहिए कि हम अच्छा दिख रहे हैं जी, ठीक है। पर्सनल ना लेके बहुत पब्लिक हो गया है जी। तो और तैयारी को कैसे बैलेंस करें, तो हाँ मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। तो बात यह है कि आप जैसे एक फटे हाल फटीचर कंगाल भी नहीं रहना है जी, क्योंकि वो एक तरह की दरिद्रता है कि आप एकदम ही फटीचर हैं कि आपके पास मक्खी भी नहीं, आपके पास मक्खी छोड़ के आदमी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं 10 दिन नहीं नहाते, मतलब मेरा एक रूम पार्टनर था जी, वो महीने में 2 बार अंडरवेयर धोता था जी, ठीक है। तो अब उसके साथ मैं 1 महीने के ऊपर रह नहीं पाया, मतलब पहले तो मैं समझ में नहीं करता क्या है, तो मैं वो जब उसको बोला यार तू कर क्या रहा है, तो बोल रहा है कि मतलब तो उसने बताया तो मैं बोला साला इसके साथ तो मैं नहीं रह सकता, ठीक है। तो आप जिस तरह के चीजों को अट्रैक्ट करते हैं उस तरह का चीजें आपको मिलती हैं। तो एक साफ सुथरा ढंग का मतलब आदमी आपको होना है, आपको ऋतिक रोशन नहीं बनना है, आपको शाहिद कपूर नहीं बनना है, लेकिन आपको एकदम से क्या बोलते हैं वो जो मेरा रूम पार्टनर है वो भी नहीं बनना है सर। लेकिन कई बच्चों का एम्बिशन होता है, मतलब वो बनना चाहते हैं, वो आईएएस बनना चाहते हैं, वो आईपीएस बनना चाहते हैं, बट साथ साथ में उनका ये भी होता है कि मतलब वो जिम जाएं, 1-1.5 घंटा जिम करें, अच्छी बॉडी बनाएं, अच्छा दिखें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, तो उन चीजों को कैसे बैलेंस करें। मैं अपनी बात कर रहा हूं सर, मेरा ये है सुमित भाई, आप पंकज भाई से पूछिए, मतलब मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, मैंने 3 इंटरव्यू दिए और मैंने किसी भी अटेम्प्ट में जिम नहीं छोड़ा, मैंने जिम कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। वो मेरे लिए एक एंकर था, वो एक एंकर था कि जब, और अभी भी मैंने आपको देखा कि अभी भी आप उसको कंटिन्यूअसली कर रहे हैं। नहीं जिम मैं कंटिन्यूअसली करता हूं, मतलब मैं लाइफ में पत्थर पड़े पानी पड़े जिम पर मैं जिम नहीं बंद करता, इसलिए नहीं कि मुझे अच्छा दिखना है या ऑफकोर्स वो एक बेनिफिट होता है जिम करने का कि आपकी शरीर अच्छी दिखती है, आप अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो एक एंकर है कि लाइफ में एक चीज ऐसी है जबकि सब कुछ एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट, आपके पास वो चीज है कि आप वहां जाके फिर भी आप 100 kg 150 kg डेडलिफ्ट कर सकते हैं, तो आपको उसको उठा के अच्छा लगेगा, ठीक है, भले ही माइंडलेस मीनिंगलेस काम है, लेकिन वो एक एंकर है कि जब व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट एक चीज है जो आपकी अपनी है जो आप जाके कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। जैसे दो चीजें मैंने हमेशा अपने प्रिपरेशन में की, मतलब लोग रात में उठ के रात भर पढ़ते थे और दिन में सोते थे 1-2 बजे उठते थे, पर मैंने एक बार ट्राई किया, मुझको वो चीज जमी नहीं, मैं देर रात तक पढ़ता था, लेकिन मेरा एक नियम था कि मैं सो कितने बजे मैं उठता सेम टाइम पे था जी, ठीक है, सोना कितने बजे भी होता था पर उठना सेम टाइम पे होता था। उससे क्या हुआ, मुझे दिन का जो टाइम था वो हमेशा लगभग कांस्टेंट रहा, मुझे इतने घंटे दिन में मिल जाते थे जी, और रात का टाइम मैं अपने हिसाब से करता था मुझे एक्सटेंड करना है कि नहीं करना है। तो हालांकि ये तो मेरा उस समय का अपना खुद का ये था, क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी थी कि मुझे सेम टाइम पे उठना है, लेकिन हाल ही में मतलब जो आज के एक फॉरमोस्ट थिंकर हैं जॉर्डन पीटरसन, उनकी किताब है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर एक यूथ को पढ़नी चाहिए अगर जिसको अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करनी है, तो 12 रूल्स ऑफ लाइफ एक किताब है उनकी, और उनकी सेकेंड बुक आ रही है 12 more rules of life, तो बाय दैट रीड दैट, बहुत ही अच्छी किताब है। तो उसमें उन्होंने एक मेंशन किया है कि एक रूल कि ऑलवेज गेट अप एट सेम टाइम इन अ डे, एक बहुत सिंपल, उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा एक थियराइज किया कि कैसे वो चीज इफेक्ट करती है आपको साइकोलॉजिकली, आप दिन में सेम टाइम उठते हैं, तो इससे क्या होता है जैसे एक डिसिप्लिन बन जाता है, जैसे लोग कहते हैं मुझे मोटिवेट करिए, मुझे कभी समझ नहीं आता मोटिवेशन कैसे करे किसी का, तो कई बार लोगों ने मुझसे कहा मुझे मोटिवेट करे, तो मैं बोलता हूँ यार नशेड़ी हो क्या, क्योंकि मैं गंजड़ी नशेड़ी हो क्या, मतलब कि मोटिवेशन एक तरह का नशा है, आपको इनिशियली किक मिलता है लेकिन आपको सस्टेन करने के लिए एक डिसिप्लिन चाहिए होता है, ठीक है, आपको सस्टेन करने के लिए जैसे मोटिवेशन होता है जब आप जो इनिशियल कंबशन होता है जो कंबशन इंजन में वो मोटिवेशन है, लेकिन उसके बाद इंजन में तेल नहीं होगा तो इंजन चलेगा नहीं, वो तेल जो है वो डिसिप्लिन है जी। सर एक मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये जो
हम सब लोग आना चाहते हैं यूनिफॉर्म के अंदर, मतलब सब लोगों का सपना होता है, हर बच्चे का सपना है कि वो आपकी तरह वो भी आईपीएस ऑफिसर बने और देश को सर्व करे। मतलब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ कि इसमें मेंटल हेल्थ के साथ में जो फिजिकल हेल्थ है, ये इसका कितना बड़ा रोल रहता है? मेंटल हेल्थ हम काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं दिन रात अपने दिमाग को शार्प करने की, हम कोशिश करते हैं दिन रात पढ़ने की, क्या इसमें फिजिकल हेल्थ का कोई इंपॉर्टेंस है, कोई रोल प्ले करेगा ये? जी जी बिल्कुल है, मतलब आप मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज आप बहुत पढ़ रहे हैं, आप खाने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कुछ भी अंडरस्टैंड खाए जा रहे हैं, और एग्जाम से दो दिन पहले कॉन्स्टिपेशन हो गया या लूज मोशन हो गया, फिर क्या करेंगे आप? बहुत मेंटल शार्पनेस लेके क्या करेंगे आप? ठीक है, या बैठे बैठे आपको मतलब बैठे आ रहे घंटे दो घंटे तीन मतलब 12-12 घंटे बैठ रहे हैं, बिल्कुल फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपकी लोअर बैक गिव इन कर जाएगी, आपका पोस्चर खराब हो जाएगा, तो इतने मंथ्स बैक जब आपका पूरा मेंटल ध्यान बैक पेन पे, तो पढ़ाई पे कितना ध्यान दे पाएंगे? तो फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है। एक और बच्चों की तरफ से मैं कॉमन सवाल लेना चाहूंगा सर, मतलब बच्चे पूछना चाहते हैं कि मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो आईपीएस ही बनना चाहते हैं, तो फिजिकल फिटनेस में उसका क्या रोल है? मतलब आईपीएस अगर बनना है तो हमें इतनी कद काठी होना चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, इतना बाइसेप्स होना चाहिए, कैसा कोई रूल है? अभी काफी सारे बच्चे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब एक फिजिकल मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि यूपीएस ने खुद दे रखा है, उसके अलावा आपकी श्रद्धा है, मतलब अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि तो आप, जैसे हमारे ट्रेनिंग में एक भाई साहब थे, मतलब मेरे मित्र भी हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, मतलब ट्रेनिंग में एकमात्र आदमी थे जिसका वजन 105 से बढ़ के 115 किलो हो गया था, वो चिकन खाते थे तो उनके पेट में चिकन फिर से मर जाता था, इस तरह चिकन खाते थे। तो वो आपके पर्सनल इस पे है कि आप, मतलब इसमें जाना आसान है, सर्विस में जाना मुश्किल है, पर निकलना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, तो आप एक बार एंटर कर जाते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आप को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिकल इसके वजह से, लेकिन हाँ बाकी आपकी श्रद्धा है कि आपको तोन निकाल के घूमना है या पेट अंदर करके घूमना है, वो तो आपने ऊपर है, हर एक आदमी का अलग। दो छोटे सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि सर इस प्रिपरेशन के दौरान आपको भी कभी कभी ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन कभी हुआ होगा, मतलब आपको भी लगा होगा कि आप प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, मतलब क्या ऐसी चीज थी जो आपको मोटिवेट किया और आप यहां तक आए? मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे आपके साथ काफी ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, बच्चे काफी ज्यादा आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो पूछना चाह रहे हैं कि सर क्या ऐसा था जो आपको मोटिवेट कर रहा था थ्रू आउट द जर्नी, जिससे आप अपने आप को मोटिवेट, हालांकि आपने जवाब पहले दे दिया है कि मोटिवेशन की जरूरत किसी एक अन्य प्रकार के लोगों को होती है, बट आपने, आपके पास वो क्या चीज थी जो आपको मोटिवेट रख, मतलब आप अपने आप को मोटिवेट रख पाए सर? मोटिवेशन का मतलब पंकज भाई का एक उनसे रिलेटेड कहानी बताता हूँ, मतलब प्रिपरेशन टाइम पे दो चीजें थी, एक तो मतलब मेरा दो एंकर थे, एक तो जिम, सेकंड मेरे इस हनुमान जी, ठीक है, तो मुझे उनको भरोसा था कि कभी कुछ ऐसे मतलब जो करेंगे सही करेंगे, उन पर मेरा पूरा भरोसा था, और लेकिन एक बीच में एक ऐसा दौर आया था जब मैंने लगातार दो इंटरव्यू दिए, उसमें लास्ट इंटरव्यू था, तो उस समय एक बहुत ही वाहियात टाइप की रिलेशनशिप में भी था, काफी अभी रिलेशनशिप थी, तो एंजाइटी उसमें इस तरह से आ गई थी कि साला कैसे करेंगे इसको, तो पंकज भाई से मैंने बात करी तो बोले कि देखो यार, तुम्हारी लाइफ में 3 साल बाद ज्यादा नुकसान कब होगा? वो पगलोल लड़की छूट जाएगी तब नुकसान होगा, या रिलेशन छूट जाएगा तब नुकसान होगा? उसका आंसर बहुत ऑब्वियस है, ज्यादा नुकसान कब होगा? उसके बाद बुद्धि ठिकाने पे आ जाती है ना। उसके बाद अपने आप आपका कंपास सही हो जाता है कि नहीं, अलाइन हो जाता है कि ठीक है यहाँ से जाना है, ये रास्ता बाद में पकड़ सकते हैं। तो सर, वो पंकज सर, ये हाँ, जी सॉरी सर, सॉरी। तो उनका ये चीज जो है, मतलब सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने मुझसे बात कही थी, तो वो हमेशा से एक रहा था कि नहीं ऐसे ऐसे ये ट्रैक है, इस पे चलना है। ऑफकोर्स डाइवर्शन आते हैं, आपको डाइवर्जन करने का मन भी करता है, बट डाइवर्जन होने का कितना जल्दी आप ट्रैक पे आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुत नेचुरल है, आप ह्यूमन है, आपको डाइवर्जन होगा ही, कोई आप देवता तो है नहीं कि मतलब आप बैठे तपस्या पे तो साला 1000 साल बाद उठे, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो मतलब और खुद को अच्छे से, मतलब आपका मेंटल पॉइंट ऑफ ओरिजिन आप स्वयं होने चाहिए, ट्रीट योर सेल्फ वेल, दुनिया आपको कैसे भी ट्रीट करे, बट आप तो खुद के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा एक चीज रहनी चाहिए आपके पास।
पंकज सर एक सवाल और आ रहा है बच्चों का कि जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन काफी बढ़ गए हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को कैसे अवॉइड रखें, मतलब दूर करें। वैसे सर ने जवाब दे दिया है बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि डिस्ट्रैक्शन जो है उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखिए सुमित सर, जो जहां तक डिस्ट्रैक्शन की बात है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज से 8 साल 10 साल पहले डिस्ट्रैक्शन हुआ करती थी, आज ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। और ये मैं देखता हूँ, जब मैं दिल्ली में बच्चों को पढ़ाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, 100 200 बच्चे आते हैं, उनके साथ मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ। जैसा कि हेमंत सर बता रहे थे कि इनके साथ मतलब हमारा जो रिलेशन रहा बच्चों के साथ एक फैमिली जैसा हो जाता है, और हम उनको केवल पढ़ाते ही नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि किसी भी लेवल पे अगर कोई भी बात है तो फ्रीली बात कर सके, क्योंकि बात करके आप बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं बच्चों को यही बोलना चाहूंगा कि क्या डिस्ट्रैक्शन है क्या डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कई बार आप किस तरह से चीजों को हैंडल करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो इफ यू आर इन सम रिलेशनशिप तो डोंट ऑलवेज थिंक इट एज ए डिस्ट्रैक्शन। जैसा कि हेमंत सर ने बताया कि उनके लिए शायद जिम डेली जाना उन्हें एक तरह से एंकर करता था, हो सकता है आपका रिलेशन आपको एंकर कर दे, तो डोंट थिंक कि इट इज डिस्ट्रैक्शन, बट बैलेंस बना पाना। देखिए अगर आप अपने जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल पाएंगे, आप एक जिले को संभाल पाएंगे। तो इस चीज को आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं सही एडवाइस दूंगा। आई विल नॉट आस्क स्टूडेंट्स कि आप इन चीजों से दूर रहो, क्योंकि मुझे पता है कि शायद दूर रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं है और समाज बदला है। तो इसके साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो इससे आप बाहर हो जाएंगे। जी सर, मैं एक चीज कहूंगा, नो ऑफेंस टू द फीमेल जेंडर, बट डिस्ट्रैक्शन ज्यादा मेल्स में होता है, पहली चीज। ठीक है, मतलब ये फैक्ट है, इसमें मैं कोई जेंडर्ड बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा मेल्स में होता है। तो मैं सभी मेल एस्पिरेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप, एक ब्लॉग है द रैशनल मेल, द रैशनल मेल बोल के एक ब्लॉग है, उसको आप प्लीज फॉलो करिए, आपके डिस्ट्रैक्शन भ्रांतियां सारे कुछ दूर हो जाएंगी। मतलब आई विश जब मैं तैयारी करता था तो वो चीज होती उस समय, मुझे पता नहीं थी, बट स्पेशली मेल एस्पिरेंट्स के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, मतलब आप द रैशनल मेल ब्लॉग को फॉलो करिए, उसको पढ़िए, उसके यूट्यूब चैनल भी, उसको भी आप देख सकते हैं। या सर कमेंट बॉक्स में मतलब सवाल आते हैं कि सर नींद नहीं आ रही है, मतलब खाना नहीं खाया जा रहा है। अब उनको ऐसी कौन सी दवाई दे जो नींद नींद आने लगे। उनको बोलो कि मतलब अगर नींद नहीं आ, दो चीजें, एक तो साइंटिफिकली दो चीजें हैं, रात में आप दूध पी के सोते हैं या पनीर वगैरह जो भी खाते हैं, तो दूध पीने से बॉडी में नींद आना आसान हो जाता है। ठीक है, उसमें कुछ एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म मुझे नहीं याद आ रहा है, बट दूध में कुछ क्या बोलते हैं, विटामिन या प्रोटीन इस तरह होते हैं जो आपको नींद आने में हेल्प करते हैं। सेकंड, आप सोने के 1 घंटे पहले फेसबुक व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, अपने आप नींद आ जाएगी। कुछ, कुछ कुछ बच्चे किताब से भी नींद ले लेते हैं सर, मतलब नहीं, वो किताब सोने के टाइम ना सबसे बोरिंग किताब पढ़ो, आप बहुत मस्त नींद आती है उसके बाद। अच्छा सर एक सवाल आ रहा है, प्रतिभा वर्मा सवाल पूछना चाह रही हैं सर कि मतलब ऐसा क्या आपके प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा फेज था जो बाकी सभी एस्पिरेंट को आप सजेस्ट करेंगे कि वो कभी ना करें। देखो मुझे ऐसा लग रहा है सर बच्चे काफी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारी जो किताबों की बातें हैं वो तो हमने बहुत सुनी है, बट ये आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा आपका लाइफ का पार्ट है जो बच्चों को आप सजेस्ट करेंगे कि कुछ भी करें बट ये ऐसा ना करें। दो चीज, एक तो पढ़ाई से रिलेटेड है और एक पर्सनल, पढ़ाई से संबंधित चीज है। जब मैं पहला अटेम्प्ट आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मैंने फिजिक्स में एमएससी की हुई है, मैं सोचा फिजिक्स से देंगे, ठीक है, तो एग्जाम देने गया। और उसमें क्या होता है, हमको लगता है कि ये चीज हमको आ रही, तो हम बात हमारे ईगो पे आ जाती है, हम सब उसको करना चाहते हैं, तो पेपर मेरा छूट गया। उसके बाद लास्ट के जब 15 मिनट में देखा तो पीछे के सवाल पूरे आसान थे, वो पहले करता तो मेरा पहले अटेम्प्ट में ही प्री वगैरह निकल जाता। तो फिर मैंने, मेरे एक सीनियर हैं उपेंद्र शर्मा, बिहार में आईपीएस 2007-08 बैच के, वो हमारे साथ तैयारी करते थे, तो उनसे मैंने बात की थी, तो उनसे पूछा था, बोला बाबा ये क्या हो गया, तो बोले, उन्होंने कहा बंधु पेपर 2 घंटे का, पेपर 1 घंटे का होता है। मैं समझ नहीं पाया, बोले देखो 1 घंटे में पेपर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक रीडिंग तो हो जानी चाहिए, और जितना अटेम्प्ट होता है उतना अटेम्प्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड रीडिंग उसके बाद चालू होनी चाहिए पेपर की, तो उसमें क्या रिविजन भी हो जाता है, और जो अटेम्प्ट नहीं किया है आपने वो अटेम्प्ट करने के लिए आपको ज्यादा समय भी मिल जाता है। तो फिर मैंने इस चीज को प्रैक्टिस में पुट किया, मैंने उसके सोशियोलॉजी ऑप्शन लिया था, और
मैंने बैक ईयर से क्वेश्चन इतने प्रैक्टिस किए कि मेरा पूरा पेपर का रीडिंग 120 क्वेश्चंस, मतलब उसमें के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो 120 क्वेश्चंस मेरे 35-40 मिनट से पढ़ के लिख के हो जाते थे। और फिर मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि आप जब एक गो में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आप 120 में से 70-80 क्वेश्चंस आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन 1 आवर। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आपको टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो ये तो पढ़ाई, और सेकंड जो पढ़ाई के कनेक्शन में जो चीज थी वो था कि मैं, मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं थी, मुझे अभी भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने 2 इंटरव्यू दिए तो उसमें मैं थोड़ा साइक हो गया था, मतलब 5 लोग बैठे हैं, साला अंग्रेजी में पूछ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो आता था उसको भी बोलते नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बोल के निकल लिए। तो लास्ट अटेम्प्ट था तो पंकज भाई थे और एक डॉक्टर विक्रम थे, डॉक्टर विक्रम उनका अनफॉर्चुनेटली उनका मतलब एक लर्निंग है कि वो मेरे ख्याल से जिया सराय में वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन थे, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कम से कम 8 ऑप्शनल से अच्छी तैयारी कर रखी थी और हर अटेम्प्ट में अलग अलग ऑप्शन देते थे, उनका इतना मतलब पढ़ पढ़ के बोर हो चुके थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनका नहीं हुआ तो उनसे मैं मिलने गया था, पंकज भैया भी थे तो मिलने गया था। तो मैं बोला कि सर ऐसा है कि इंटरव्यू में मतलब बोलने में डर लगता है, पता नहीं क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे। तो उन्होंने कहा कि देख हेमंत, तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तू नहीं बोलेगा तो तेरे को तू बोलेगा तो मे बी दे विल जज यू रॉन्ग, तेरे को कम मार्क्स मिलेंगे, तू नहीं बोलेगा तब भी दे विल नॉट जज यू, तेरे को फिर भी कम मार्क्स मिलेंगे, और लेकिन तू बोलेगा तो दे माइट जज यू राइट ऑल्सो, तेरे को अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं इंटरव्यू में, तो तेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो ओनली वे यू आर गेटिंग सिलेक्टेड इज इफ यू स्पीक आउट, ठीक है। तो वो उन्होंने वो एडवाइस दी थी मेरे को। तो उस इंटरव्यू में, लास्ट इंटरव्यू में, मैं बहुत फ्री होके गया था कि मतलब इससे बुरा तो क्या होगा कि मैं सिलेक्टेड नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। और उसका दूसरा ये था कि मैं मतलब सिलेक्शन नहीं होने का गम इसलिए भी नहीं था लास्ट राउंड में कि अगर नहीं होता तो जो बकलोर लड़की थी मुझे छोड़ देती, तो मुझे सोचा एक एक फ्रीडम तो मिल जाएगा मेरे को, इनफैक्ट दो फ्रीडम मिल जाएगा अटेम्प्ट छूटेंगे वो भी छूट जाएगी तो वो एकदम ना एकदम से माइंड फ्री हो गया जब उस तरह सोचा है मैंने। तो लास्ट टर्न में मैंने बहुत फ्री होके बातें की इंटरव्यू पैनल से, आपका मतलब जो मेरा मन था मैंने वैसे कहा, मतलब कुछ बात उनको पसंद आई होगी कुछ नहीं पसंद आई होगी लेकिन ठीक ठाक उन्होंने एग्जाम मार्क्स दे दिए थे। और और जो नॉन लर्निंग वाली मतलब जो नॉन एकेडमिक वाली बात है वो ये है कि से मैंने फिर से कहा डिस्ट्रैक्शन रहेंगे, हमेशा डिस्ट्रैक्शन रहेंगे लेकिन दो चीजें, एक जब आप पढ़ने बैठते हैं 2 घंटा 1 घंटा जो भी आपका टाइम टेबल है तो उसमें मोबाइल दूर रख दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए। मतलब थैंकफुली मेरे टाइम पे तो ना मेरे पास लैपटॉप था ना मोबाइल था, मेरे पास वो छोटा वाला फोन था। सर आजकल मोबाइल और लैपटॉप से ही पढ़ाई हो रही है सर अब तो फिर मोबाइल तो फ्लाइट मोड में डाल सकते हैं, मतलब कितनी अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो कितनी, मैं खुद से खुद का लिए बोला अभी जैसे मैं देखता हूँ 1 घंटे का वीडियो देखने में 3 घंटे लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करना है, फेसबुक पे लाइक भी करना है, तो आप अगर वो बंद करके रख देंगे साइड में तो मे भी आपको आप 1 घंटे का वीडियो 1 घंटे में देखेंगे, और उसके बाद जो व्हाट्सएप फेसबुक पे करना है वो आप 10 मिनट में भी कर लेंगे, बाद में भी 10 मिनट में कर लेंगे आप, ठीक है। तो जब आप, मैं कहने ना, जब पढ़ने पे वर्क डेस्क पे बैठते हैं तब आपको सब कुछ भूल जाना है, मतलब मेरे साथ उस समय बहुत ही प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता था तब मेरे को कुछ नहीं याद रहता। हाँ पढ़ के जब फोन स्विच ऑन करता था तो मतलब वो भयंकर 3-3 पेज लंबे मैसेज आए रहते थे कि मतलब धोखा दिया, ये दिया, वो दिया, ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है यार चलो 10 मिनट निपट लेते, फिर 10 मिनट रिप्लाई करके फिर ऑफ कर दिया, फिर पढ़ने बैठ गया, ठीक है। तो वो मतलब आप पढ़ने बैठे तो आप डिस्ट्रक्शन ऑफ कर दे, मतलब डिस्ट्रक्शन मेन क्या है, मोबाइल ही है, उसको फ्लाइट मोड पर डाल दीजिए, है ना। तो पंकज सर आप नहीं, मतलब सर का कहना ये है कि आज भले ही आप पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज कर रहे हैं बट बच्चे को ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि वो पढ़ाई के लिए कर रहा है किसके लिए कर रहा है। कई बार होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इसी में आप बिजी रहते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दिखाने में ही, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सभी को पता चले। आपको मैं थोड़ा चुटकुला सुनाता हूं, मेरा दूसरा एक रूम पार्टनर था, मतलब जिया था, आई वाज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ कैरेक्टर्स एज रूम पार्टनर। एक और रूम पार्टनर था उसमें, मतलब उसको मैं भटकंती बुलाता था, ठीक है। तो
हुआ क्या, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसको ना मतलब और यूपीएससी तैयारी सिलेक्शन करने के लिए नहीं कर रहा था, इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था कि उसको कोई लड़की इम्प्रेस हो जाए और उसे प्रेम करने लगे, तो ठीक है। तो उसने मतलब एक किसी से मतलब एक बार गलती से अपना मैं लैपटॉप पे मतलब बस सिलेक्शन हो गया था, मैं उसे घर पे गया था, तो मैं लैपटॉप पे चैट कर रहा था, उसने लैपटॉप खुला छोड़ दिया था, तो चैट मैंने देखा उसमें 90% लड़की ने ब्लॉक कर रखा था उसको, दो वर्ड्स के बाद ब्लॉक कर रखा उसमें से एक ने ब्लॉक किया था, उसको पूछा था कि मिलने वाला था, तो बोला कि मिलेंगे तो क्या करेंगे, तो बोला मैं आपको किस करूँ, मतलब बोली कैसे किस करूँ, तो बोला मैं 2 लीटर सलाइवा निकालूंगा किस करके। तो मैं बोला साला, उसे पूछा मैं, अबे साले तू इतना कैसे निकालेगा, बोला मैंने हिंदू में पढ़ा था, उसमें कहता है आदमी एक साल में उसके मुंह से 2 लीटर सलाइवा निकलता है। तो मैं बोला अच्छा, मतलब तुम इसलिए बोले कि जिसे लड़की पूछे कि कहां से मालूम पड़ा, फिर तुमने बताओ कि मैं हिंदू पढ़ता हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी करता, तो वो इंप्रेस हो जाए कि तुम कितने साइंटिफिक हो। ठीक है, ऐसे भी लोग तैयारी करने आते हैं, तो वैसे लोग के लिए तो इसका कोई मतलब नहीं, आप कितना भी बता दीजिए उनको। तो मेन क्या है कि डिस्टिंग्विश करने की जो बात पंकज भैया कर रहे थे, उसको हम कहते हैं विवेक। अगर आप विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल किस लिए यूज करना है, लैपटॉप किस लिए यूज करना है, तब तो फिर आप खाली इंप्रेस करने के लिए आए कि घर पे से पैसा आता रहे, मैं यहाँ बैठ के उठाईगिरी करता रहूं फ्री में, मैं तैयारी कर रहा हूं। और वैसे लोगों के लिए तो आप कितना भी सेशन करा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। और जिसको जो एक्चुअली डेडिकेटेड कैंडिडेट है, वो तो अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा, हमेशा करेगा। मतलब अभी तक मुझे जहां तक मतलब समझ आ रहा है कि मैं समझ पा रहा हूं पंकज सर, ये जो रिलेशनशिप होता है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तैयारी के ऊपर, मुझे यहां तक समझ में आने मतलब समझ में आ रहा है। सो आप इसको सर कैसे मतलब दिखाएंगे, कैसे बताएंगे सर? पंकज सर नहीं, ये यूथ के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है सर, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, ठीक है, देखिये मैं इस बात को समझ रहा हूँ। और देखिये मैंने आपको फिर से बोला कि ये जो सर बता रहे हैं बातें, ये आज से 8 साल 9 साल पहले की बता रहे थे, जहां पे एक तरह का सोशलाइजेशन हमें दिया जाता था और हम इस चीज को इस तरह से देखते थे, और कहीं ना कहीं इस बैलेंस को बनाने में काफी दिक्कतें होती थी, पढ़ाई को और इन सारी चीजों को, वो एक अलग जमाना था। और आज अगर हेमंत सर या आप जो भी देख रहे हैं, जो बच्चों को आप अपने आसपास देख रहे हैं, देखिए आज ये बच्चों की लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज ए मेंटर, एज ए पर्सन हु टीचर्स सोशियोलॉजी, जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ इंडियन सोसाइटी के बारे में, सारी बातों को मैं समझ के बताता हूँ कि बच्चों को इसे बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। जिस विवेक की बात अभी हेमंत सर ने बोली, उस विवेक में ऐसा था से 10 साल पहले कि आपको इसे अलग लेकर चलना पड़ेगा, बट आज आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं, आज का बच्चा मेंटली ज्यादा मैच्योर है, हालांकि वो ज्यादा क्राइसिस में है, दैट इज ऑल्सो वन फैक्ट। बट वो जब आज का 9वीं या 10वीं का जो बच्चा है, जिसने पिछले 10-12 सालों में अपना 9th, 10th, 11th, 12th किया है, मैं उन्हें ये नहीं बोलूंगा कि आप इन चीजों से दूर रहें, बिकॉज शायद आपके लिए पॉसिबल ना हो, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इन्हें बैलेंस करना सीखें। ये भी एक तरह की मेंटल प्रिपरेशन है जब आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, नॉट जस्ट एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा, लक्ष्मीकांत, ये किताबें पढ़ना, बट अपनी पर्सनल लाइफ को डियर फ्रेंड्स मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से जो लोग सिलेक्ट होंगे, निश्चित रूप से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इस तरह की क्यू को पॉजिटिव तरीके से अपने तैयारी में यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव तरीके से भी अपनी तैयारी को खराब कर सकते हैं, आप इसके जिम्मेदार होंगे, आप मालिक होंगे। मैं आपको बस ये एडवाइस दूंगा कि इफ यू कैन बैलेंस इट, यू शुड कैरी इट, इफ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस इट फॉर द टाइम बीइंग, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। ये मेरी एडवाइस होगी समय सर। सर एक बच्चों का सवाल और आ रहा है, मतलब आपने मतलब लैंग्वेज के ऊपर कहा कि जिस लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हैं वो यूज कर सकते हैं। बच्चों ने सवाल पूछा है कि सर इंटरव्यू के अंदर में अगर हम बाइलिंगुअल बात करते हैं, इंटरव्यू में मान लो मीडियम सेलेक्ट किया, उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने एग्जाम लिखा है, और लेकिन वो जो इंटरव्यू है उसमें अगर वो हिंदी में बोल देते हैं या बाइलिंगुअल रह के बोलते हैं, तो इसका क्या कोई इंपैक्ट पड़ता है सर उनके मार्क्स के ऊपर? नहीं, देखिए जो इंटरव्यूअर है वो आपको सुनना चाहता है, वो आपकी चीजों को जानना चाहता है, तो अगर किसी भी स्टेज पे आपको लगता है कि आपने इंग्लिश मीडियम चूज किया बट आप हिंदी में अपनी बातों को ज्यादा अच्छे से रख सकते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक वो आपको सुनना चाहते हैं, आपके व्यू पॉइंट को जानना चाहते हैं। भाषा आप बाद में भी सीख सकते हैं, और हिंदी में आप मीडियम लेके गए, हो सकता है वहां पे कोई साउथ इंडिया से बैठा हो और उसने एक सवाल पूछ लिया इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, और जो भी इंग्लिश आपको आती है उसमें आप बताने की कोशिश करते हैं, बच्चा कोशिश करता है, तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता सर। एक थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल चलता है, मतलब मैंने खुद भी अपने इंटरव्यू में काफी चीजें बाइलिंगुअल कही थी,
तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हाँ, वो डेलिब्रेट नहीं होना चाहिए, वो एक फ्लो में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंग्लिश बोला, पॉज किया, फिर हिंदी, शुद्ध हिंदी शुरू की। वो एक फ्लो में होना चाहिए कि मतलब आप एक नेचुरल कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन में कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल। तो अगर, लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं कि आप इंग्लिश बोल के रुक गए फिर हिंदी में शुरू कर रहे, तब तो समझ जाएगा ये बंदा बेईमानी कर रहा है। ठीक है सर, एक एक बात हो रहा है, काफी सारे बच्चे हैं जो मतलब ठीक है प्रिपरेशन की पहले का छोड़ो, आपको कह रहे हैं सर प्रिपरेशन का बात बताओ, लाइफ आईपीएस बनने के बाद में कैसी होती है? मतलब देखो यार, मेरा मणिपुर काट रहे तो लाइफ तो बहुत चेंज हुई नहीं है। ठीक है हाँ, आप यूपी बिहार में है तो आपकी लाइफ काफी कुछ चेंज हो जाती है, मतलब एक अलग ही रुतबा भूकाल हो जाता है अगर आप वो चाहते हैं तो। बाकी जैसे सोशियोलॉजी में वेबर कहता है ना, लाइफ चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, वो आपके कहीं भी रह के बढ़ सकते हैं, आप चाहे मणिपुर में हो चाहे जहां भी हो, मतलब एक नेटवर्क बन जाता है, यू आर कनेक्टेड टू अ सोशल कैपिटल जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टू गेट थिंग्स डन, टू हेल्प योर फैमिली, टू, लेकिन उसमें भी जैसे वापस से आता है, विवेक का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जैसे सिलेक्शन होने के बाद कई बार होता है रात में 1 बजे फोन आ गया, मैं मणिपुर में हूँ किसी जिले में, मतलब उखरुल जिले में हूँ, तो 1 बजे फोन आ गया वहां से, यूपी से, क्या चाचा बोला, क्या हो गया, हमको कांस्टेबल पकड़ लिया है, मतलब क्यों पकड़ लिया, हम ट्रिपलिंग कर रहे थे तो साला। ठीक है, इस तरह के फोन भी आते हैं। अब उस समय आप रात को 1 बजे उस कांस्टेबल जो नाके पे है उसको फोन करके मैं आईपीएस बोल रहा हूँ, तो वो तो आपकी बात मानेगा नहीं। ठीक है, बेचे थे खाने के अलावा कुछ बचेगा नहीं आपके पास, तो वहां भी आपको आपके लाइफ चांसेस कहाँ यूज करने, उसमें आपको एक विवेक की जरूरत है। बाकी आपको घर मिल जाता है, आपको गाड़ी मिल जाती है, आपकी लाइफ एक बहुत ही कंफर्टेबल इसमें आ जाती है, धरने पे आ जाती है। मतलब एक बहुत बड़ा गैप है आपके प्रिपरेशन डेज में और आपके सर्विस डेज में, काफी बड़ा गैप हो जाता है, काफी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, और आपकी मतलब अभी यही बातें अगर मैं जीएसरा के चौराहे पे करता तो लोग बोलते, मतलब ऑफकोर्स आपको पता है क्या वर्ड यूज करते हैं कि बहुत ऐसा लड़का है करके। लेकिन मैं तब भी ऐसे बात करता था, मैं अब भी ऐसे ही बात करता हूँ, और यही बात मैं अभी बोलूंगा तो लोग कहेंगे बहुत ग्राउंडेड आदमी है। ग्राउंडेड की स्पेलिंग चेंज होने में आप इधर है या उधर है चेंज ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है पंकज सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मतलब सर से इंटरेक्ट करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हम बहुत हार्ड और स्ट्रिक्ट लाइफ जो बताते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान है, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। आज तक मैंने जितने भी आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू देखे हैं, मैंने उनकी बातें सुनी है, तो एक बड़ा लंबा चौड़ा किताब का चिट्ठा होता है। ऑब्वियस बात, हम सर से भी पूछेंगे कि बच्चे पूछना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए एक मतलब छोटे शब्दों में क्या स्ट्रैटेजी रहे, मेंस के लिए क्या करें, पर मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जितनी हम मुश्किल सोचते हैं उनसे कहीं आसान है। सर रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और सर ने एग्जाम को क्रैक किया, मल्टीपल स्ट्रेस थे सर के, बट उसके बाद में भी मतलब सर ने हमें हिंट दिया, एक बैड रिलेशन के बाद में भी वो मतलब यहाँ रहे, मतलब इन्होंने जो एग्जाम है उसको क्रैक किया, साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो किया, कंटिन्यूस जिम जाते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये चीज सही है, या जो आजकल जो हमें डर रहता है, जो बच्चों के अंदर एक डर है कि यूपीएससी की तैयारी अगर करना है तो पहले से उनको बहुत सीरियस हो जाना पड़ता है, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, तो ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, हेमंत सर को लाने का मेरा पूरा उद्देश्य बस ये था कि बच्चे आइडेंटिफाई कर पाए एक उस हाइपोथेटिकल चीज को जिसको लेके हम माइंड में लेके चलते हैं कि जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है उसे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, इनके थ्रू बहुत ईमानदारी से, देखिए आप बहुत इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ही ट्राई टू कनेक्ट विद द एस्पिरेंट्स, उसके जीवन में जो दिक्कतें होती हैं उसी भाषा में इन्होंने उस चीज को बताने की कोशिश की, कहीं पे इन्होंने उस दूरी को नहीं बनाया। तो जिस कनेक्ट की हम बात करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि बच्चा समझ पाए कि ऐसे भी करके चीजों को किया जा सकता है, तो आपको सीरियस होना जरूरी है नहीं, बट डियर फ्रेंड्स सिंसियर होना बहुत जरूरी है। और मैं बहुत सारी बातें हेमंत जी के बारे में बताऊंगा कि किस डेडिकेशन के साथ ये लगे रहे, और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई, बहुत सारी चीजें नहीं बताई कि किस एडवर्स परिस्थितियों को इन्होंने क्रॉस किया। और मैं अपने बैच में एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता रहा हूं इनका, ठीक है, चाहे इसके बारे में इन्हें पता होना हो कि किताबें पढ़ने के बारे में हर टीचर, हर मास्टर, हर मेंटर बता देता है कि ये 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है, ये टेस्ट सीरीज है, सब बता देता है, बट बच्चा उसके बाद क्या, कैसे पढ़े, कैसे कनेक्ट करे, कैसे अपने जीवन की क्राइसिस को बढ़ाए, ये एक बड़ा चैलेंज होता है समय सर।
तो जिस तरह से इन्होंने बताया उससे मुझे लगता है बच्चों पे भरोसा आना चाहिए कि रूरल बैकग्राउंड आपके लिए हो सकता है कुछ दिक्कतें क्रिएट कर ले, बट इसीलिए तो आप इस एग्जाम के प्रोसेस में कि आप इन दिक्कतों को क्रॉस कर पाएंगे। यू हैव चूजन योर डेस्टिनी, आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, और अगर आपने डिसाइड किया तो आपको इसे ओवरकम करना पड़ेगा। ये एज है जब आपको सीखना है, या तो आप ये रोते रहिए कि मैथ मेरा बहुत वीक है, मेरा मैथ मेरा बहुत वीक है, या तो आप इसी टाइम में उसे लर्न करके आगे बढ़ जाइए। तो मुझे लगता है कि हेमंत सर की बातों से बच्चों को निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस आया होगा, एक सामान्य व्यक्ति, एक व्यक्ति जो रूरल बैकग्राउंड से आता है, जो कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसके पास कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट और कॉम्प्लेक्स भाषा नहीं है, बहुत स्पेशल कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो भी ईमानदारी के साथ इस एग्जाम की तैयारी करके क्रैक कर सकता है, उस यूनिफॉर्म को पहन सकता है जो हम सबका ड्रीम होता है, जिस बहुत सारे बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दे शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो ईमानदारी आप में होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट लिखते रहते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, अरे जो हो रहा है वो आप कितना कर पा रहे हैं, इससे आपको सोचना पड़ेगा। आप सारी चीजें टीचर के ऊपर दे देते हैं कि टीचर ने आज ये क्लास नहीं ली, वो नहीं ली, बट जिस तरह से बच्चों को अपनी लाइफ को चैनलाइज करने की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उन्हें सीखने की जरूरत है हेमंत सर से। सुमित सर, हेमंत सर कुछ कह रहे थे? नहीं, जैसे पंकज सर ने कहा, पंकज भैया ने कहा कि सीरियस नहीं सिंसियर होने की जरूरत है, वो बात बहुत सही है। मतलब जिसे हम जब घर से निकलते हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं कि तैयारी करना है, तो हम सोच के निकलते हैं कि दिन में 12 घंटा पढ़ना है, ये वाला फंडा बहुत लोगों के पास है। लेकिन ठीक है, मतलब आप समझो आज 12 घंटा पढ़े, दो दिन 12 घंटा पढ़े, उसके बाद 4 दिन लंबे हो गए, उसके हिम्मत नहीं पड़ी फिर पढ़ने की, उसके बाद फिर अगले 2 हफ्ते बाद फिर 2 दिन 12 घंटा पढ़े, तो आपका 2 हफ्ते में 48 आवर्स से पढ़ाई हो पाई। लेकिन आप वही रेगुलर 4 घंटा पढ़ते हैं और बाकी टाइम अपने अलग एक्टिविटीज के लिए देते हैं, तो 7 × 4 = 28, 28 = 56 आवर्स पढ़ाई हो जाएगी आपकी 2 हफ्ते में। तो रेगुलर टाइम्स पे मतलब दिन का 3 से 4 घंटा आप पढ़ने में देते हैं तो बहुत है। और फिर जैसे आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो आपको कोई बोलता है कि यार उसमें तो वो आने वाला है, जब आएगा तो देखा, जब वो पढ़ेंगे तब वो देखा जाएगा। तो तुरंत ये नहीं करो कि ये जो पढ़ रहे उसको बगल में रख के दूसरा उठा के पढ़ना शुरू कर दो, जो एक चीज पढ़ रहे उसका फोकस रखो। मतलब और जैसे पंकज भैया ने कहा कि आपने चूज किया है यूपीएससी का एग्जाम देना, किसी यूपीएससी ने आपको नहीं बुलाया कि आप अगर एग्जाम दीजिए, आप खुद चूज करते हैं। तो अगर आप खुद चूज करें तो एटलीस्ट उतनी हम बोलते हैं हमारे पास बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वो सेल्फ रिस्पेक्ट किस काम की, जब आप खुद की चॉइस को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, या खुद के चॉइस को वो एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट आपका झूठा है, खाली मुंह में बोलने के लिए है या इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए है, ठीक है, वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट तब होती है जब आपने जो खुद चूज किया है उसको आप प्रोपोर्शनल या एडवोकेट एफर्ट देते हैं, तब वो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होती है। यूपीएससी का एग्जाम जो है वो खुद को, मतलब आईएएस आईपीएस तो बनना है, ठीक है बन जाएंगे, मे बी कोई कुछ और बन जाए, लेकिन इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ऑल्सो। मतलब आप कहाँ पे खुद के अंदर, अगर आप का एंकर नहीं है, खुद के अंदर ओरिजिन नहीं है, तो आप खुद को डिस्कवर, सेल्फ डिस्कवरी इन द सेंस कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, आप कितना झेल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि वो है ना, वो पथ क्या पथिक परीक्षा का, जिस पथ पर बिखरे फूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता का, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, ठीक है। तो मतलब वो आपका एक स्ट्रेंथ जो होता है ना, वो आप डेवलप करते हैं उसमें, और वो आप उस समय का जो हेमंत पांडे या उस समय का जो पंकज शुक्ला या उस समय का जो सुमित राठी डेवलप होता है ना, वो आपके साथ अगले 60 साल तक रहेगा। वो आईपीएस, वो आईएएस, मैं आईपीएस हूँ, अगर मैं बहुत ही हेक्टिक जिले में भी होता तो दिन में 12 घंटे काम करूंगा, बाकी 12 घंटे आके मैं घर पे बैठूंगा, उस घर पे तो मेरे माँ बाप मेरे बच्चों के लिए या मेरी पत्नी के लिए मैं हेमंत पांडे रहूंगा, आईपीएस नहीं रहूंगा, ठीक है। और 30 साल की नौकरी में अगर आप देखें 15 साल ही काम करेंगे आप, बाकी 15 साल घर पे आकर बिताएंगे, उसके बाद का 30 साल, उसके पहले के 30 साल आप हेमंत पांडे, उसके बाद के 30 साल आप हेमंत पांडे रहेंगे। तो वो यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो उस हेमंत पांडे या उस पंकज शुक्ला को डिस्कवर करने का प्रोसेस है, जो आपके साथ अगले 60 साल तक रहेगा, ठीक है। और उसको नहीं भूलना है बाद में। अब उस पंकज शुक्ला को या उस सुमित राठी को आप कैसे बनाते हैं इस प्रोसेस में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंस्टाग्राम पे ही है या फेसबुक पे ही है, वो रियल लाइफ में भी वही है। अगर आप मेरा जैसे मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर कोई देखेगा तो कोई, मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि आप सही में आईपीएस हैं क्या, लेकिन मैं रियल लाइफ में भी मेरा वैसे ही है, ठीक है। ह्यूमर एक चीज है जो मैंने कभी लाइफ में नहीं छोड़ी। जैसे वो पिक्चर है एक ब्रेव हार्ट बोल के, उसमें लीड कैरेक्टर विलियम वॉलेस, स्टार्टिंग में जब मूवी स्टार्ट होती है तो उसमें कुछ लोगों को मतलब मरे होते हैं, उनको किंग ने लटका दिया होता है,
फिर तलवार निकालता है कि आई विल फाइट विद द किंग. उसका फादर बोलता है विलियम आई नो यू आर ब्रेव एनीबॉडी कैन फाइट बट इट इज योर विट्स दैट विल मेक यू द मैन यू आर. ठीक है. और लास्ट में जब उसको डेथ मिलती है तो उसको वो चीज अपने पिताजी की याद आती है और वो हंसते हंसते मरता है ना कि रोते रोते मरता है. ठीक है. तो आपका जो विट है ना मतलब मैं रियल लाइफ में भी मेरा और इंस्टाग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है. जो मतलब अगर आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप सही में आईपीएस हैं क्या. तो मैं आईपीएस नहीं हूँ यार. मैं सही में आईपीएस नहीं हूँ. मैं हेमंत पांडे हूँ और हमेशा वही रहने की उम्मीद करता हूँ. सर कुछ और मैं छोटी छोटी बातें पूछना चाहूंगा. मतलब बच्चों के वही सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं. और ये सवाल बाकी इन्होंने जवाब बहुत लोगों से जाने हैं बट ये आपसे जानना चाह रहे हैं क्योंकि हो सके. एक मिनट में पंखा चला के आता हूं. जी 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 सर. काफी सिंपल लाइफ इन्होंने व्यतीत की है सर. मतलब मुझे काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है देख के सर को. सर मतलब नॉर्मली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे पूछना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए. आप इनको जल्दी से प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी इनको एक बार समझनी है कि पीटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, आंसर मतलब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं. ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा हमें एग्जाम के बारे में बताइए. सर एग्जाम के बारे में जैसे यूपीएससी अगेन मतलब कुछ जैसे यूपीएससी एक इनफाइनाइट सी के टाइप का समुद्र का समान है ना. तो उसमें किसी भी समुद्र में जाते हैं आपके पास एक कंपास होना चाहिए. कंपास यूपीएससी के एग्जाम्स में जो कंपास है वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर. सेकेंड चीज है कि आपके पास बहुत अच्छा टीचर है लेकिन आपका यू हैव टू वर्क हार्डर देन योर टीचर टू गेट सिलेक्टेड. द टीचर विल नॉट वर्क फॉर यू. ठीक है. और प्री की तैयारी से पंकज भैया ने एक चीज कही थी मुझसे कि प्री की तैयारी नहीं होती, तैयारी मेंस की होती है. प्री अपने आप निकल जाता है. ठीक है. तो हमेशा तैयारी मेंस को फोकस में रख के करनी चाहिए. प्री तो निकल जाएगा आपका. मेंस की तैयारी अच्छी है तो प्री आपका निकल जाएगा. प्री के लिए एक महीना बहुत है. ठीक है. जैसे प्री में करंट अफेयर्स का पार्ट आता है. बहुत लोग पूरा साल करंट अफेयर्स में बिता देते हैं और उसके बाद भी एग्जाम में जाके कुछ नहीं कर पाते. करंट ही लगता रहता है. ठीक है. तो करंट अफेयर्स का ये है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके बाद एग्जाम साल के एंड में करंट अफेयर्स के बहुत सारे बुकलेट्स आ जाते हैं. आप उसको एक बार रिवाइज लास्ट के 10 डेज आप 2-3 बार रिवाइज करिए तो आपका कुछ ना कुछ चिपक जाएगा उसमें एग्जाम में. मतलब 10 में से 5-6 चिपक जाए. अगर 10 में से 5 चिपकते हैं आपका करंट अफेयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस होता है. उससे बियॉन्ड आप मतलब आप सरकार में तभी करंट अफेयर्स बता सकते हैं नहीं तो. ठीक है. तो और फिर थर्ड चीज है प्रैक्टिस करना. जैसे मैंने कहा कि मुझसे उपेंद्र शर्मा ने कहा था कि पेपर 1 घंटे का होता है. 2 घंटा तो दिया होता है पेपर 1 घंटे का. तो आपको रिवाइज करना है, पेपर पढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना है. यूपीएससी के जितने पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है वो यूपीएससी ही दे सकता है. मतलब उसको 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 रेप्लीकेट करना किसी मॉक टेस्ट के लिए. मॉक टेस्ट ऑफ कोर्स दीजिए लेकिन मॉक टेस्ट के लिए बहुत मुश्किल है उसकी यूपीएससी का लैंग्वेज और स्टैंडर्ड मैच करना क्योंकि वो बहुत हाई नहीं है बहुत लो नहीं है. यूपीएससी इज एन एग्जाम ऑफ मेडियोकर्स. ठीक है. यूपीएससी जीनियस लोग ऑफ कोर्स जीनियस लोग जाते हैं बट यूपीएससी इज एन एग्जाम फॉर मेडियोकर्स. तो आपका एक मेडियोकर लेवल है एजुकेशन में और आप मेहनत करने को तैयार है तो आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं. ठीक है. तो प्रैक्टिस 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 और बोथ मेंस का और प्री का पेपर दोनों प्रैक्टिस करना है और उसको चेक करवाना है किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से जो कि एग्जाम दिया हो पहले से पता है कि एग्जाम में आंसर कैसे लिख के जाते हैं. तो आपका जितना प्रैक्टिस और फीडबैक रहेगा तो उतना आपका चीजें बेटर होंगी. पंकज सर कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? सर बताइए सर. हाँ, नहीं हो गया पंकज भाई. पंकज सर सही बता रहे थे. जो देखिए प्रीलिम्स की जो स्ट्रेटजी है जैसे हम बच्चों के साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि अभी जो 6 मंथ का टाइम स्पैन है बच्चों के पास किस तरह से वो यूटिलाइज करें, किस तरह से टाइम फ्रेम को आप डिवाइड करें, किस तरह से अपने रिवीजन को, किस तरह से जो टेस्ट सीरीज वाली बात है उसको हमने आपके साथ डिस्कस किया. मेंस इज मोर अबाउट इन डेप्थ नॉलेज. प्रीलिम्स में हो सकता है कि आपको एक हॉरिजॉन्टल कवरेज की जरूरत पड़े बट मेंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग, मेंस में आपका पर्सपेक्टिव, मेंस में आपका जो बैलेंस एटीट्यूड है वो सारी चीजें टेस्ट होती है. तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पर रखिए. हमने एक स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस की अपने इस चैनल के माध्यम से, उसे आप देखिए जो नए एस्पिरेंट्स हैं कि किस तरह से आप बेहतर टाइम डिवीजन को कर सकते हैं,
किस तरह से आप चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, किस आपको कैसे टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, सारी चीजें डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, इससे निश्चित रूप से आप लोग को फायदा होगा। तो आई होप कि आप में से काफी लोग ने उस चीज को देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उसे वो देखें, और अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हम ऐसे और भी स्ट्रेटेजी सेशन ला रहे हैं, वहां पे आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बट जैसा कि सर ने बताया कि प्रैक्टिस का काफी इंपॉर्टेंस है, उसका कोई देखिए कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, प्रैक्टिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। जैसा इन्होंने मेंस में बताया, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स को लेकर क्या आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, जैसा सर ने बताया, उससे आप लोग निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो हेमंत सर बहुत बहुत थैंक यू आपको हम लोग के साथ ज्वाइन होने के लिए, ठीक है, आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी हम आप लोग आपकी हेल्प लेंगे और बच्चों को गाइड करने में, जिस तरह का एग्जाम है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। अभी मैं सुमित सर के साथ कनेक्ट होता हूँ। थैंक यू हेमंत सर, मुझे पता है कि आपको और भी काम होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया, थैंक यू। मैं लॉग आउट कर सकता हूँ ना? कर सकते हैं, ठीक, लॉग आउट कर। तो आई होप कि बच्चों आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा हेमंत सर से, जिस तरह से इन्होंने चीजों को बताया, जिस तरह से आप लोग को चीजों को समझाया, और काफी देखिए बेसिक लेवल पे जाके इन्होंने आपको बताया कि किस तरह के टेंशन, किस तरह की क्राइसिस, किस तरह की बाधाएं आपकी तैयारी के दौरान आती हैं, और किस तरह से आप इनको एज एन एस्पिरेंट्स ओवरकम कर सकते हैं, उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल होने की जरूरत नहीं है। दिस एग्जामिनेशन रिक्वायर्स एवरेज पीपल, कंसिस्टेंसी, डिवोशन, डेडिकेशन, इनकी जरूरत है डियर फ्रेंड। आप एक्सेप्शनल हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बट आप चीजों को सीख भी सकते हैं इस प्रोसेस में, जो भी आपने 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ या 1 ईयर का टाइम लिया है, निश्चित रूप से इस प्रोसेस में आप इन चीजों को सीख सकते हैं। और जैसा कि सर ने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने भी एक तरह से रूरल बैकग्राउंड से आके इस एग्जाम की तैयारी की, 2-3 बार उन्होंने इंटरव्यू दिए, किस तरह से इस तरह के फेलियर को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उसके बाद भी खुद को मोटिवेट किया, अपनी एनर्जी को चैनलाइज किया और फाइनली इस एग्जाम को क्रैक किया। तो आई होप कि ये जो पूरा हमारा सेशन रहा डियर फ्रेंड, वो आप लोग को पसंद आया होगा, उसको आप लोग ने लाइक किया होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपके और भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसे एड्रेस करेंगे, और आगे भी ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन हम कराते रहेंगे, और भी इस तरह के इंटरेक्शन होंगे जहां पे आप इन टीचर्स के साथ या इन पीपल के साथ जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया, आपके लिए टीचर ही हैं वो, उनके जो एक्सपीरियंस है वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड जिन्होंने इसको ज्वाइन किया, जिन्होंने हमारे साथ जुड़े रहे, आगे और भी इस तरह के हम सेशन आपके लिए लाएंगे जिसमें हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड। सुमित सर, हेमंत सर की एक मीटिंग थी तो उन्होंने टाइम लिया, ठीक है, तो हाँ जी, तो अभी सर कनेक्ट होंगे सर हमारे साथ या? तो उन्हें जाना था तो फिर से उनकी एक मीटिंग थी, उनको जाना था। ठीक है सर, फिर तो एंड करते हैं। मुझे लगता है बच्चों काफी कुछ समझ में आया होगा, बाकी कुछ अगर आप फाइनल इनपुट्स रखना चाहें, बच्चों कुछ बताना चाहें। फाइनल इनपुट देखिए, आज फिर शाम में हमारी एक स्ट्रेटजी सेशन है हमारे चैनल पे MAP 101 पे, जहाँ पे किस तरह से इस एग्जाम को तैयारी की जाए, क्या बुक पढ़ी जाए, कैसे क्या किया, कैसे अप्रोच किया जाए, हम उसे फिर से आज शाम में 7 PM की क्लास में डिस्कस करेंगे। और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जुड़े रहें हमारे चैनल पे रहें, और हम उनके साथ फिर से डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उन्हें पढ़ना है, किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी सेशन हमने कल भी लिया था, बच्चे उसमें थे, तो आई होप कि बच्चे आज हमारी जो शाम की 7 PM की क्लास होगी उसमें बच्चे जुड़ेंगे, जहाँ पे हम क्या क्या रिसोर्सेस, क्या क्या बुक्स, किस तरह से नोट्स बनाए जाए, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सुमित सर जी, सर मैं मतलब पूरे सेशन से मुझे काफी मतलब बच्चों का पता नहीं, बट मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि UPSC की प्रोसेस जितनी हम मुश्किल समझते हैं उतनी मुश्किल भी नहीं है। एक अच्छी ईमानदारी के साथ में हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अभी। सही बात बोले सुमित सर कि ये कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है उस प्रोसेस में, कि आपको एक्सेप्शनल होने की जरूरत है। एक सामान्य स्टूडेंट भी विद एवरेज टैलेंट इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, अगर उसमें वो डेडिकेशन है, उसमें वो डिटर्मिनेशन है, उसमें वो डिवोशन है, वो कंसिस्टेंसी है जिसके साथ वो इसमें लगा हुआ है, और अपने जो मेंटर्स हैं जो बातें बोल रहे हैं उनको समझ रहा है, उसके हिसाब से कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से इट इज जस्ट लाइक एनी अदर एग्जामिनेशन। हो सकता है कि कॉम्पिटिटिवनेस इसमें ज्यादा हो, ज्यादा एस्पिरेंट्स इसमें अपीयर करते हो,
ज्यादा चीजें इसके साथ जुड़ी हैं, बट अगर आप अपना एक साल डेडिकेटेड तरीके से डिवोट करते हैं तो निश्चित रूप से डियर स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि इतने जबरदस्त सेशन आपने किया। बाकी मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा एक सेशन और है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर, स्ट्रैटेजी सेशन डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम शाम को 7 बजे हमारा सेशन है सर, आई थिंक, है ना? ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर कि आपने अपना समय निकाला, साथ में हेमंत सर को आप यहाँ लेके आए और बच्चों को बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, थैंक यू वेरी मच। सो एक बार हम फिर से दोबारा से कनेक्ट होंगे शाम को 7 बजे, थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। So, दोस्तों आपने देखा पूरा का पूरा सेशन हमारा जो था कंप्लीट, हमने डिस्कशन किया और ये इतना बेहतरीन सेशन था यार। हमने देखा सारी मतलब उनके लाइफ के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी ट्रेजेडी रही, उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि इससे ऑनेस्ट इंटरव्यू मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता, मतलब आपको हर तरीके से प्रयास किया गया, हर तरीके से कोशिश की गई, एक रियल टाइम जो है सिचुएशन, रियल टाइम जो एक आपकी चीज होती है उसके बारे में कंप्लीट आपको बताया जाए, कंप्लीट आपको समझाया जाए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इससे अच्छा इंस्पिरेशन आप कहीं से नहीं ले पाओगे, है ना? पंकज सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और पंकज सर आज जुड़े हमारे साथ, है ना? तो गाइज मैं आपको यही बता रहा हूं, हर एक जो हमारी टीम का मेंबर है अनअकैडमी में, जो भी कार्यरत है अनअकैडमी में, जो भी एजुकेटर है, वो आपके बेहतरी के लिए है दोस्तों। अगर हम बात करें, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम बात करें कंपनी के फाउंडर जो हैं, खुद रोमन सर, वो खुद एक आईएएस ऑफिसर है। सो गाइज आपको यहां से अच्छी गाइडेंस और अच्छी एडवाइस जो है वो मुझे नहीं लगता कहीं से भी मिल सकती है। अनअकैडमी ने एजुकेशन के अंदर में दोस्तों एक अलग स्टैंडर्ड सेट किया है, एक अलग जो है परिमाण जो है वो फिक्स किया है। आप सभी लोग जो है दोस्तों अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपना बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं दोस्तों। लगातार जो है हम अच्छे अच्छे कोर्सेज जो है आपके लिए क्यूरेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हमारी जो है तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो गाइज लगातार बने रहिए अनअकैडमी के साथ में अपनी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए, क्योंकि यही वो जरिया है दोस्तों जिससे आप अपने सक्सेस को दोस्तों क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, सक्सेस को हासिल कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं 6 मंथ का एक कोर्स आपके लिए लेके आ रहा हूं यूट्यूब चैनल पे भी, साथ साथ उस कोर्स को मैं रेप्लीकेट करूंगा, कहां पर मैं उस कोर्स को रेप्लीकेट करूंगा आपका सेम प्लस के चैनल पे भी, प्लस पे भी मैं लेके आऊंगा, सेम हम उसको आपका यूट्यूब पे भी करने वाले हैं गुरुकुल प्रोग्राम। और ये जो सेशन है, मैं ऐसे बहुत सारे सेशन आपके लिए बाद में भी लेके आऊंगा, बाद में भी ऐसे मैं बहुत सारे सेशन कराऊंगा जिनके माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आपके अंदर वो भरोसा, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, आपके अंदर में वो मोटिवेशन जो है वो डाल सकूं और आपको अपनी सक्सेस के लिए मैं दोस्तों आगे अग्रसर कर सकूं, ताकि आप भी इतने ही कॉन्फिडेंट होकर आप आगे बढ़ सकें और आप भी अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कर सके। दोस्तों काफी अच्छा मतलब इंटरव्यू था, मुझे काफी कॉन्फिडेंस हुआ, मतलब एज ए स्टूडेंट अगर मैं अपने आप को देख के बात करूं, ठीक है, मैं आपकी जगह आपकी जगह अपने आप को रखता हूं, तो मुझे काफी अच्छा लगा इनकी बातें सुनकर, जितनी ईमानदारी से इन्होंने सारी चीजों को बताया। समय इनके पास थोड़ा कम था लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत समय दिया हमें, सो आपके बिहाफ पे मैं इनको थैंक यू बोलता हूं, हेमंत सर को मैं थैंक यू बोलता हूं। एंड साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के अन्य इंटरव्यू भी हम करते रहेंगे आपके साथ, चाहे वो हमारी अनअकैडमी ऐप हो, चाहे हमारा प्लस प्लेटफॉर्म हो, चाहे हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पर दोस्तों हम ये चीजें करते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी 6 महीने बचे हैं तैयारी के लिए दोस्तों, तो लग जाइए, जुट जाइए, जितने भी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं दोस्तों सबके सब अनअकैडमी प्लस के ऊपर, अनअकैडमी ऐप के ऊपर सभी के सभी जो है वो क्लासेस कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोगों को कनेक्ट होना हमारे साथ, अभी सभी लोगों को जुड़ना हमारे साथ, प्रोसेस बहुत आसान है दोस्तों। मैं आपको अगर बताना चाहूं, मैं बताना चाहूंगा अभी, ये मेरे 4 डिफरेंट चैनल्स हैं दोस्तों जिनके माध्यम से मैं आपको यूट्यूब पे तैयारी कराऊंगा यूपीएससी सीएससी 2021 की, ठीक है। ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड सेट करने वाला हूं दोस्तों, ज्योग्राफी 101, मैप 101, करंट अफेयर 101, एनसीईआरटी 101, दीज आर द 4 डिफरेंट चैनल्स बाय विच मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक बेहतर जो है तैयारी का माध्यम यहां पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी अच्छे तरीके से, उतने ही बेहतर तरीके से आप अपने एग्जाम के अंदर तैयारी को अपनी को आगे बढ़ा सको और अपने एग्जाम के अंदर में सफलता को इंश्योर कर सको। साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी के चैनल्स के साथ, ये यूट्यूब चैनल्स है, इसके साथ साथ आपके अनअकैडमी की ऐप है जहां पर क्विज हम करते हैं, जहां पर हम स्पेशल क्लास करते हैं, जहां पर हम प्लस कोर्स करते हैं। आइए दोस्तों हमारी स्पेशल क्लासेस के साथ जुड़िए और आनंद लीजिए, मतलब जुड़ के आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हम अनअकैडमी ऐप के माध्यम से करा रहे हैं।
साथ साथ प्लस कोर्स देखो, प्लस कोर्स भी हमारे बहुत सारे चल रहे हैं। अगर मैं अभी बताऊं तो मेरे प्लस कोर्स चल रहे हैं, एक तो प्लस कोर्स चल रहा है फिजिकल ज्योग्राफी का, जो आपका 9th of January से स्टार्ट हुआ है, 9 January से आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ में दूसरा कोर्स चल रहा है मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का। मेरी पूरी टीम जो है वो तैयार है दोस्तों आपके लिए गुरुकुल प्रोग्राम प्लस, और साथ ही साथ में आपका अनअकैडमी ऐप दोनों जगह लेके आने पे, यूट्यूब और अनअकैडमी ऐप पर। सो गाइज आप जुड़िए मेरे साथ दोस्तों, आज ही डाउनलोड कर लीजिए अनअकैडमी की ऐप। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है दोस्तों, उसके लिए आपको कोड यूज करना है क्या, सुमित 10। साथ ही साथ दोस्तों ये कोर्सेज के साथ आप जुड़ सकते हो अगर आप इंश्योर करना चाहते हो अपनी सक्सेस। सो 9 January से स्टार्ट हुआ था, बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, मैं चाहूंगा आप आज ही जाएं अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर प्लस कोर्स में एनरोल कीजिए बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। सुमित 10 दोस्तों मेरा कोड है, इस कोड का आप यूज करेंगे यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड एन इंश्योर्ड गाइडेंस बाय देन बाय एक्सपर्ट। देखो आपके पास भी मौका है कि आप उन लोगों से तैयारी करें जिनसे टॉपर्स ने तैयारी की है, आप अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए दोस्तों। आज के समय में, इस समय में अगर हम बात करें तो सोर्सेज बहुत सारे हैं, बट अनअकैडमी ने एक अलग अपना जो स्टैंडर्ड है वो सेट किया। तो मैं चाहूंगा आप सभी बच्चे जुड़े हमारे साथ, और इस पूरी प्रोसेस में जुड़ने के लिए, ये पूरी जो प्रोसेस है इसमें आपको कैसे करना है, कैसे एनरोल करना है, मैं आपको सारी चीजें समझाना चाहूंगा एक बार। मुझे एक मिनट का समय देंगे आप, कैसे करना है दोस्तों, आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद गोल में जाके यूपीएससी सीएससी आपको चूज करना है। यूपीएससी सीएससी में जीएस साथ साथ में अगर हम बात करें तो ऑप्शनल, और अगर हम तीसरी बात करें तो कॉम्बो, तीन टाइप के सब्सक्रिप्शन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जीएस ऑप्शनल और कॉम्बो, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसके बारे में पूरी जानकारी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, अनअकैडमी के रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करते हैं, साथ ही साथ में आप मुझे भी मेल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। सो जीएस ऑप्शनल और कॉम्बो तीनों की तैयारी यहां पर कराई जा रही है दोस्तों, ठीक है। ये हमारे अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं, 1 month के लिए 49,000 है, 2 month के लिए 72,000 एंड 90,000, बट इतना आपको पे नहीं करना, आपको एक डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड यूज करना है जिसका नाम है सुमित 10, ठीक है, SUMIT10, सुमित 10 कोड आप जब यूज करते हैं तो यू विल गेट दिस कोर्स ओनली इन 44,000, 64,000 एंड यू विल गेट दिस ऑन 80,000, बहुत ही अफोर्डेबल रेट के ऊपर दोस्तों आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो घर बैठे। 3 साल अगर आप तैयारी करते हो यूपीएससी की, मात्र 80,000 रुपए, यानी कि 2,000 रुपए पर मंथ लगभग, इतना दोस्तों और क्या जान लोगे आप, ठीक है, घर बैठे इतने बेस्ट स्टैंडर्ड बेस्ट एजुकेटर और इतनी अच्छी अगर तैयारी करते हो तो इससे बेस्ट दोस्तों कुछ भी नहीं है। साथ साथ में दोस्तों हमारे ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं, यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी आप सुमित 10 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। आइकॉनिक कोर्स दोस्तों इसके अलग ही महत्व है, ये 25 January लास्ट डेट है, इसके बाद इसके प्राइस जो इंक्रीज होने वाले हैं 1 year, 2 year और ये 3 year, आपको कोड यूज करना है दोस्तों क्या, सुमित 10। जब सुमित 10 कोड यूज करोगे फॉर 1 year, यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है, या सबसे अच्छी बात है डेली प्री और मेंस की तैयारी कराई जाती है, उसके आधार पर आपको फीडबैक दिया जाता है, फीडबैक के आधार पर आपका स्टडी प्लान बनता है, और स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एक आपके पास पर्सनल कोच भी देता दिया जाता है अकेडमी की तरफ से। सो गाइज इसमें भी आप जुड़ सकते हो, एक पर्सनल कोच आपको मेंटर करेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, और इसके लिए भी आपको कोड क्या यूज करना है दोस्तों, सुमित 10। सुमित 10 मेरा कोड है, इस कोड को आप यूज करोगे विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन एन अकेडमी एंड एन शॉर्ट गाइडेंस बाय एन एक्सपर्ट। सो गाइज उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बात समझ में आई होगी, पूरा लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।